कंट्रोल ब्यूरो के जरिए सुशांत सिंह की आत्महत्या के बाद एक विशेष अधिकारी को इस डिपार्टमेंट में लाया गया। आत्महत्या की जांच सीबीआई को दी गई। आत्महत्या या हत्या इसकी गुत्थी नहीं सुलझी, लेकिन पूरा खेल एनसीबी का फिल्म इंडस्ट्री में शुरू हो गया। रिया चक्रवर्ती को फंसाया गया फर्जी तरीके से, दर्जनों भर फिल्म अभिनेता अभिनेत्रियों की परेड कराई गई, कुछ लोगों को मुकदमे में फंसाने का प्रयास किया गया। और हम आपको बता दें कि कोविड के काल में सारी इंडस्ट्री मालदीव में थी, अधिकारी के परिवार के लोग, अधिकारी स्वयं दुबई और मालदीव में क्या कर रहे हैं, इसका खुलासा अधिकारी को करना पड़ेगा, समीर वानखेड़े को। हम मांग करते हैं वो बताएं वे दुबई गए थे क्या, क्या उनके परिवार के लोग मालदीव में उस समय में थे जब पूरी इंडस्ट्री मालदीव में थी, क्या कारण था वो वहां गए। हमें तो पूरा यकीन है कि सारी उगाही मालदीव और दुबई में हुई है, जिसकी तस्वीरें हम आप लोगों को देंगे। सुशांत सिंहच्या आत्महत्यानंतर वानखेडे यांना एनसीबीमध्ये ट्रान्सफर करून आणण्याचं काम केंद्र सरकारने केलं। आल्यानंतर रीरा चक्रवर्ती याला अटक करण्यात आली, 4,000 रुपयाचे पेमेंटच्या आधारावर त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला। व्हॉट्सअप चॅटच्या माध्यमातून बरेचसे अभिनेत्री अभिनेता एनसीबीच्या दारात उभे राहिले आणि एक दहशत निर्माण करण्याचं काम या अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून झालेलं आहे। जेव्हा कोविड असताना संपूर्ण फिल्म इंडस्ट्री ही मालदीवमध्ये होती, त्या काळामध्ये यांच्या परिवारातले लोक हे मालदीवमध्ये होते, दुबईमध्ये होते। वानखेडे स्वतः दुबईमध्ये होते काय, मालदीव ते गेले काय, त्यांची लेडी डाऊन मालदीवला गेली काय, याचं उत्तर त्यांच्याकडून अपेक्षित आहे। आमच्याचं स्पष्ट म्हणणं आहे की ही सगळी वसुली ही मालदीव आणि दुबईमध्ये झालेली आहे आणि त्याचे फोटो मी रिलीज करतो।